हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पे से अपनी आईडी डिलीट कैसे कर सकते हो, अपने अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हो, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन के अंदर कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको लिखना है जूम ऐप, जूम ऐप लिख के आपको सर्च करना है। आपको नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये वाले ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद आपके पास एक नया पेज आएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे इसे लोड होने में। फिर आपको यहाँ पे तीन लाइन दिखाई दी जाएगी, आपको इस पर टच करना है और यहाँ नीचे लिखा होगा माई अकाउंट, आपको इस पर टच करना है। और अगर आपसे यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगता है आपके अकाउंट का तो डाल दीजिए, हमने पहले से ही डाल रखा है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोफाइल, आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पे एरो बना होगा, आपको इस पर टच करना है। फिर आपको नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंट मैनेजमेंट, आपको इस पर टच करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा अकाउंट प्रोफाइल, आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद आपके पास एक नया पेज आएगा तो आपको नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टर्मिनेट माय अकाउंट, आपको इस पर टच करना है और आपसे पूछता है तो यस कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा सा वेट लेगा और आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें।